आइए आपको अब कुछ देर के लिए नेशनल स्टेडियम कराची ले चलते हैं। नाज़रीन, कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो खामोश हो जाएं तो बड़ी तकलीफ देती हैं। आइए आपको बताते हैं स्टोरी टाइम्स में। पीटीवी न्यूज़ और रेडियो पाकिस्तान की साबका मारूफ न्यूज़कास्टर तस्कीन ज़फ़र हमेशा के लिए खामोश हो गईं। तस्कीन ज़फ़र ने 80 की दिहाई में रेडियो पाकिस्तान से अपने कैरियर का आगाज़ किया, जिसके बाद वो पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ बतौर न्यूज़कास्टर एक तवील अरसे तक मुंसलिक रहीं। तस्कीन ज़फ़र अपने अल्फाज की अदायगी और मखसूस लहजे की वजह से अवाम में मकबूल थी। इनके मद्दाह बड़ी तादाद में खतूत अरसाल करके इनके लिए अपनी पसंदीदगी का इजहार करते थे। तस्कीन ज़फ़र ने बतौर न्यूज़कास्टर 1998 में होने वाले एटमी धमाकों की खबर भी सबसे पहले पढ़ी। वो रेडियो पाकिस्तान के शोबे खबर से वाबस्ता रहीं। तस्कीन ज़फ़र को इनकी खिदमात पर तमगा हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया। नाज़रीन, कैसे लगी आपको ये स्टोरी? कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा।